निया आ जाओ। ठीक है आ जाओ नहीं है इधर स्पेयर सिलेंडर का इशू नहीं है।
उसने मेरे पैर पे बंद कर दिया। दोनों बैग आ जाएंगे। निया 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 चलो फूड लेके आते हैं। Hi everyone, welcome back to the channel. तो हम हैं इस जार्विस में प्रोविंशियल पार्क जो कि सिल्वन लेक में है। सिल्वन लेक जो टाउन है बहुत क्लोज बाई है। हमने बहुत सारे ब्लॉग्स पहले सिल्वन लेक के बनाए हुए हैं। अब हमने कैंप साइट पर अपना टेंट और सारा सेटअप लगा दिया है। अब हम फायरवुड लेने जा रहे हैं। और जो ये कैंप साइट है, अगर किसी को भी कोई भी प्रोविंशियल पार्क में बुक कराना है तो मैंने पहले भी लास्ट जो हम रैम फॉल्स का वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि आप अल्बर्टा पार्क की साइट पे जाओ और बुकिंग करा लो। और ये जो हमने बुकिंग कराई थी 2 नाइट्स की थी फॉर $95.04। डिस्क्रिप्शन आ जाएगा साइट पे। और जो भी बुकिंग करानी है थोड़ा टाइमली कराओ, बिकॉज एंड मोमेंट पे आपको कोई प्रोविंशियल पार्क में कैंप साइट बड़ी मुश्किल से मिल सकती है। ना निया चलो फायरवुड लेके आते हैं। चलो चलो। तो आना तो हमको कल था, फ्राइडे, आज सैटरडे है, लेकिन हमने फिर देखा कि थंडर स्टॉर्म वार्निंग थी, टॉर्नेडो वार्निंग वगैरह वगैरह। और हमारा पुराना एक एक्सपीरियंस था लास्ट ईयर का, वो बड़ा ही ख़राब था, पुराना या 2 साल पहले का एक्सपीरियंस। तो हमने सोचा फिर सैटरडे को ही चलते हैं, तो हमारी कल की कैंपिंग तो रहेगी, तो फिर आज सैटरडे है, कल हम चेकआउट करेंगे, तो आज की कैंपिंग हम करेंगे। आज रात को हम यहीं पर सोएंगे अपने टेंट में। और यहाँ पर हमारा चेक इन टाइम था कल शाम 4 बजे और चेकआउट टाइम होगा कल संडे को आफ्टरनून 2 PM पे। तो ये यहाँ का रजिस्ट्रेशन ऑफिस है जो कि सुबह 9 बजे खुलता है। मैंने कल रात को इनसे कॉल कर लिया था कि हम कल शाम में नहीं आएंगे तो हम कितने बजे आके चेक इन कर लें। तो उन्होंने बोला कि सुबह 9 बजे हमारा ऑफिस खुल जाएगा। तो अब यहाँ पे इनको बोल देते हैं, हम चेक इन कर चुके हैं और उधर साइड भी वुड है तो वुड भी बाई कर लेंगे। और वुड का पे करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि वुड के पैसे कितने लगे। तुम बैठो मैं आता हूँ। तो वुड मैंने बाई कर दिया शॉप पे और वुड का हमें 2 बैग्स का लगा $20, जो कि सेम है जैसे कैनेडियन टायर पे करते हैं। आ रही हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, और इन्होंने यहाँ पे यही बताया और इनके बैग से भी लिखा है क्वाइट टाइम 11 PM है और सुबह 7 बजे तक आपको शोर नहीं मचाना। फिर उसके बाद ऐसा मैंने पहले बार देखा है, कैंप ग्राउंड का नाम भी लिखा है जार्विस बे पार्क और पूरी इंफॉर्मेशन भी लिखी है कि भाई क्वाइट टाइम 11 PM है ना। सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने बैग पे लिखी हुई है कि भाई ज्यादा पार्टी मत देना रात को। और इसके लिए ये भी लिखा देखा, नाइटली सिक्योरिटी पेट्रोल अगर आपको। ये बबल पकड़ो। ये फायर स्टार्टर है जो हमने कॉस्को से लिया है और इसके अंदर 100 यूनिट फायर स्टार्टर्स हैं। तो मेरे ख्याल से इस साल ही नहीं, ये हमें अगले साल भी काम आ रहा है। देखो अंदर से ऐसा है। और हाँ, और इसमें प्लास्टिक के साथ ही बर्न करना है। चलो ये भी यूज़ करके देखते हैं। बर्न तो कर रहा है। और सुबह की चाय बननी शुरू हो चुकी है। ये थोड़ा पानी और लेना। ये हमने नया कैटल लिया है, स्टील का। स्टील का काफी लोगों की चाय बन सकती है। आना है तो आ जाओ। बड़े वाले 4 कप आराम से बन जाएगी। हाँ। बस बस इतना बहुत है। और ये हम इस सेटअप में इसलिए आ रहे हैं, हम यूजुअली बाहर भी रखते हैं पर अंदर इसलिए रखा है बिकॉज आज भी ऐसा ये क्लाउडी है तो रेन हो सकती है। और ये मेरा सुंदर सा इंडिया का कैंपिंग चाय का कप मेरी सिस्टर मेरे लिए लेके आई है। तो देखो ये शायद पहली बार देखोगे, हम बहुत बार यूज कर चुके हैं पर फर्स्ट है हम ये जो किचन है। हाँ, ये हमारा, ये इसमें नीचे पूरा सामान रख दो, पूरा नेट है और 2 ड्रॉअर हैं और ये भी हैं जिसमें अपनी कटलरी भी रख सकते हो आप ना आराम से। और साइड पे भी जगह है रखने के लिए। साइड में भी जगह है। हां साइड में जैसे दिखाते हैं, देखो ये साइड पे जगह है ये वाली, यहां पे भी अब जैसे जैसे एक काम करेंगे इसमें सामान रखते रहेंगे अपना। अभी हमारा सारा इस बकेट में है जो भी चीजें हैं। और
और बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बनने वाला है इस कैंपिंग में। ये कुलचे मनोहर बेकरी से हैं जो एडमिंटन में है, और काफ़ी अच्छे कुलचे होते हैं उनके। तो इसके साथ देखते हैं क्या बनेगा, और बाकी देखो क्या क्या बनता है आज और कल। जिया की सेकंड कैंपिंग है ये, और जिया भी सेकंड टाइम में आ रही है सिल्वन लेक में, है ना जिया? लास्ट टाइम जब आई थी आपको पता है, आपको आते ही चोट लग गई थी और हम साइकिल नहीं चला पाए थे। जिया का फेवरेट कैंपिंग फूड निकल गया। अब जिया कल दोपहर 2 बजे तक यहीं पाई जाएगी। ये बेंट हो गया, पहले ठीक कर दो। निया देखो फायर है बेटा, निया फायर के पास नहीं जाते। जी अपना स्मोर दिखाना कितना अच्छा बने। ये नहीं 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 निया, इसको चॉकलेट चाहिए, इसको चॉकलेट चाहिए। ओए बस चल चल जा, चल जा यहाँ से, चल जा। निया चॉकलेट अच्छी लगी? चॉकलेट अच्छी है? चॉकलेट मैं नहीं बैठूंगा निया के पास, तुम बैठो निया के पास। इतना तुम्हारा खौफ हो रहा सबको देख रहे हो तुम? और निया लगी पड़ी है, जिया लगी पड़ी है अपने मार्शमेलोस के साथ। जिया थोड़ी खुशी तो दिखा बेटे, इतना खुशी देख ना, चॉकलेट मिल गई, चॉकलेट चॉकलेट। ऐसे फायर के पास बैठ के चाय पीने भी अपने मजा आए। और अब वेदर बहुत नाइस हो गया अभी। हां एकदम परफेक्ट वेदर है ये, अगर ऐसा ही रहा कल तक तो बहुत ही अच्छा है। वो तुम लोग की बात ठीक है कि ज्यादा गर्मी भी हो जाती है तो फिर मजा नहीं आता फायर चलाने में। अच्छा जैसे ये वाला वेदर है ना बहुत अच्छा है, इसमें तो बड़े अच्छे हो रहे हैं। अरे ग्रिल प्लेट हमने रखी हुई है क्योंकि इसमें कुछ बनने वाला है। हम मोस्टली ट्राई करेंगे अगर बारिश नहीं होगी तो हम फायर कुकिंग करेंगे इस बार। देसी घी में खाना बन रहा है दोनों बच्चे खा रहे हैं। जिया को बहुत अच्छा लगा बना पनीर, माँ ने मैरिनेट किया था और पापा ने बनाया, है ना जिया? बोलो आई लव यू पापा। बस अब ये बनेगा, गरिमा खाएगी और फिर मैं खाऊंगा। पनीर तो काफी लगेगा। अभी ये बॉक्स भरा पड़ा है पनीर का, चटनी है साथ में, और कूलर के अंदर हमारे और भी सामान है आज और कल के खाने के लिए। फायर की स्लो कुकिंग की, अब गरिमा की प्लेट। मजा आ रहा है एकदम, बहुत धीरे धीरे कुक होता है फायर पे ना, और देखो कितना सॉफ्ट एकदम अंदर तक से कुक हो गए। ना मैरिनेटेड पनीर खत्म। पनीर तो खा लिया मजे लेके, अब बर्तन धोने का नंबर आया तो अब बर्तन धो के आते हैं बाल्टी में। बबल बबल और अब तो जो कैमरा चल रहा था ना ये निया चला रही थी, यहाँ पे वॉश कर रहे हैं बर्तन। अब खाना पीना खा के बर्तन धो के एक कैंप साइट का एक चक्कर लगाते हैं। लेट्स गो फॉर अ वॉक। सारे वाइल्ड रोजेज हैं।
देखो इधर ग्रुप कैंपिंग है। ऐसे होते हैं पार्क के रेस्ट रूम्स, ये सिर्फ रेस्ट रूम है, शावर नहीं है यहाँ पे, शावर वाले नहीं। बाहर हो रही है जबरदस्त बारिश और हम करते हैं बेड्स को बनाते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। मैं अभी सोने नहीं वाले पर बस इसको सेटअप कर रहे हैं अपने टेंट को अंदर से, क्योंकि तो बाहर बारिश शुरू हो चुकी है खूब अच्छी वाली। टेंट सारे लग गए हैं पर हर एक सीज़न की अपनी प्रॉब्लम होती है। अब हुआ क्या कि जैसे टेंट ओपन किया तो थोड़ा पानी आएगा, फिर मैंने टॉवल से उसे पूछा, बट इन द मीन वाइल ये जो दो स्लीपिंग बैग्स थे हल्के से साइड साइड पे गीले हो गए हैं, करेंगे इसको मैनेज। प्रॉब्लम आज हम गरीब लोगों की तरह हो रहे हैं, हमारे घर की छत चूरी है, दो जगह से चूरी है, हमने बाल्टी रखी है इसीलिए। हेलो, मैगी बन गई बच्चे की और यहाँ पे चाय बन रही है। हेलो, काफी काम निपट गया, देखो सब लोग तैयार बैठे हैं अब तो। हाय, सब लोग बारिश के लिए रेडी हैं इस वक्त और गरिमा ने अपने मजबूत हाथों से पूरा का पूरा बेंच निकाल दिया टेंट से बाहर, उधर रखा हुआ है। और यहाँ पे अब हम ये जो स्क्रीन है ना हमारी छोटी पड़ गई है क्योंकि ये तिरछी बारिश आ रही है और हम सब भीग रहे हैं इसमें, पर फिर भी चलो बारिश के मजे लो। और ऐसी बारिश में मियाँ का डाइपर कार के बैक डोर पे ओपन करके चेंज किया जा रहा है। डाइपर चेंज चेंज बारिश से नाम भी धुल गया इस पे जो लिखा हुआ था, थोड़े दुखी लोग दिखाता हूँ अभी। हाँ भाई, रेन कैंपिंग कैसी लग रही है? बस बारिश रुके, बारिश है, बहुत मेहनती लोग हैं जो लगे हुए हैं काम करने में। छोले छोले हाँ
बहुत देर बैठे बैठे रहने के बाद हमने कहा बारिश में थोड़ा वॉक ही कराते हैं, थोड़ी हल्की भी हो गई है बारिश, अब फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा थोड़ी एक वॉक पे निकल आते हैं, है ना भाई। हवा चल गई है, लेकिन प्ले एरिया है जो पूरा अभी बारिश के अंदर गीला हो चुका होगा, और पीछे वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे आइसक्रीम भी मिलती है इस प्रोविंशियल पार्क में, तो देखते हैं वहाँ पे कॉफी मिलती है क्या। अरे ओ शिट, ठंड भाई, जब ट्री के नीचे गए एकदम से बहुत पानी हमने ऊपर, चलो पूछते हैं यहाँ पे व्हाई आइसक्रीम इज सो बैड एट टेनिस, बिकॉज दे हैव अ सॉफ्ट सर्व। ये फनी है, तो आइसक्रीम तो हम नहीं ले रहे बिकॉज काफ़ी ठंडा है आज, मे बी कल जब यहाँ से निकल रहे हैं आइसक्रीम खाएंगे। पर इधर पीछे इनका एक वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, एम्फी थिएटर, जो लास्ट ईयर हम निकलन लेक में जब कैंपिंग की थी तो वहाँ पे भी हम लोग एम्फी थिएटर गए थे। अगर आप पिछले साल वाला व्लॉग देखोगे कैंपिंग का तो उसमें आपको एम्फी थिएटर दिख जाएगा, पर आज तो बारिश हो रही है। देखो यहाँ पे शावर्स लिखा है और साथ में आउटडोर थिएटर भी है, तो इधर शावर्स हैं और उसके पीछे ही इनका आउटडोर थिएटर है। निया आपने अपनी विंटर कैप पहन ली, निया चाय पिला रही सबको ठंड में, निया चाय पिला रही सबको ठंड में। बारिश थोड़ी रुकी है तो आज यहाँ बैठो, ठंड हो रही है बेटा बहुत ज़्यादा, तुम्हारे लिए तो बहुत ठंड हो रही है। थोड़ी देर में सही हो जाएगा, वार्म होने शुरू हो जाएगा, और फायर जला दिया ना। अरे मैं ऐसे दिन आ गए अब इंडिया में ऐसे बैठते हैं ना जब सर्दी हो जाती है हाँ। तो अपनी शॉप के बाहर फायर जला लेते हैं और बैठ जाते हैं ऐसे। और हमारे छोले बनने वाले हैं शायद, सीटी आ रही है धड़ाधड़। अरे जी आप फिर से चालू हो गई अपने मार्शमेलो बनाने में, इस बारिश से ज़्यादा अगर कोई कर रहा है तो वो ये है, ये इंसान जो पिछली बार छोटा हाँ, बच्चा था अपनी फर्स्ट कैंपिंग में, तो इस बारिश ने हमारी आफत कर रखी है। हाँ पूरा जम गया, ठंडा हो रहा है ना। बन रहे हैं हमारे छोले कुलचे, बहुत बढ़िया, और हमने प्लान बना लिया कि हम कार के अंदर ही सोएंगे बिकॉज बाहर बहुत ठंडा हो चुका है अब, और काफ़ी हमारे मैंने पहले ना बेड वेड भीग गए हैं। तो आज का पहली बार कार्यक्रम इस गाड़ी के अंदर होएगा, फर्स्ट टाइम। तो कल रात गरिमा और निया यहाँ पीछे सोए, जिया पीछे वाली सीट पे और मैं आगे ड्राइवर सीट पे। टेंट हमने निकाल दिया है, बहुत बारिश हुई है रात भर, सारी चेयर्स गीली पड़ी हुई हैं, तो फायर जलाया है अभी, कुछ ब्रेकफास्ट बनाएंगे या चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। चाय का पानी चढ़ा दिया है, अदरक की चाय बनेगी, और साथ में यहाँ पर लगा दिया है फायर, और गरिमा जिया और निया गए हैं वॉशरूम। देखो ये चेयर्स इतनी पानी में भीगी हुई थी कि इनमें से धुआं मतलब भाप निकल रही है, जो पानी था ना मैंने फायर गैस रखा है इनको सुखाने के लिए, जो कोई भी सूख जाए अच्छा है। चाय में आ गया है उबाल, और हमारा दो दिन का खाना इसमें था। देखो ये है, ये दूध है, और इस वाले में हम पनीर टिक्का रख के लेके आए थे, दूध डल गया है अब, और चाय ऑलमोस्ट रेडी है, और सब लोग रेडी हैं। दीदी ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये चाय किसकी चाय है। मम्मी आ जाओ, मम्मी आ जाओ।
आपके पास खड़े होके सुबह की चाय, क्योंकि बैठ सकते नहीं है, चेयर्स गीली हो चुकी है। कैंपिंग के कप जान पूछ के शायद ऐसे बनाए गए होते हैं ताकि इतनी ठंड होती है यहाँ पे गर्मी में भी, ताकि अपना हाथ भी गर्म करो और गर्म गर्म चाय पियो। आज 7-7 डिग्रीज है टेम्परेचर, 7 डिग्रीज और विंड है साथ में। और लेके आओ माँ के लिए लेके आओ फ्लावर्स। सबसे ज्यादा मजा है ना इसी इंसान ने किया इस कैंपिंग में। जो फ्लावर लेके आओ जी दीदी के लिए, जो फ्लावर लेके आओ। कितनी भी कोशिश कर लो कैंपिंग में लच्छे वाली दाढ़ी ठीक नहीं हो सकती। मैं ड्रायर वायर लेके आया था पर देन अब हम निकल रहे हैं बिकॉज रेन ने सारा प्लान कैंसिल कर दिया। और हम सोच रहे थे कि भाई हम सुबह सुबह कुछ और चीज़ें बनाएंगे कुकिंग में, पर मे बी इन द नेक्स्ट कैंपिंग। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो इस लच्छे वाली दाढ़ी कसम थैंक यू सो मच। लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड लीव अ कॉमेंट। दिस वॉज अवर फर्स्ट कैंपिंग इन द रेन इन सिल्वन लेक इन जार्विस बे प्रोविंशियल पार्क। बाय, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। खाना चाहती है? बस, और जब भी कैंपिंग से जाओ फायर बुझा के जाओ। ये लोग अपना जो ट्रेलर लेके आते हैं ना लोग, वो अपना ग्रे वाटर चेंज कर रहे हैं यहाँ पे एकदम एग्जिट के पास है। और सामने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे हमने पहले दिन जाके रजिस्ट्रेशन कराया था कल ही एक्चुअली। तो ये साहब में अपना ग्रे वाटर चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। और इसका चार्ज है यहाँ पे लिखा हुआ है कि $5 समथिंग डंप, वो चीज़ इज नॉमिनल, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है।